वानी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए वन्य संरक्षण दिवस, बी वन जीव संरक्षण दिवस, सी जंगली जीव संरक्षण दिवस या डी जलीय जीव संरक्षण दिवस। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। नवगछिया विकलांग सलाहकार बोर्ड का सदस्य को ग्रामीणों ने किया सम्मानित। दिल्ली सरकार द्वारा विकलांग सलाहकार बोर्ड का सदस्य बनाए जाने पर गोपालपुर प्रखंड के गोसाई गांव के निवासी डॉक्टर राकेश रमन झा को ग्रामवासियों ने समारोह पूर्वक सम्मानित किया है। नवगछिया के सहायक आपूर्ति अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने अपने उद्घोषण में कहा कि डॉक्टर झा ने दिल्ली में अपने गाँव का नाम रोशन किया है। विशिष्ट अतिथि नवगछिया के मार्केटिंग ऑफिसर कमल जायसवाल ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए शासन एवं समाज को जागरूक करने की जरूरत है। गांव के सरपंच सियाराम यादव ने बताया कि डॉक्टर झा ग्रामीणों को जरूरत के समय स्वास्थ्य शिक्षा एवं विकलांग को तीन पहिया साइकिल सहित कई अन्य प्रदान करते रहे हैं। डॉक्टर राकेश रमन झा ने बताया कि विकलांगता अधिनियम के अंतर्गत हर राज्य सरकार को विकलांगता सलाहकार बोर्ड का गठन करना है जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार हेतु नीतियां बनाने के साथ कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन का कार्य करेगा। इस बोर्ड में 5 सदस्य विकलांग के लिए कार्य कर रहे विकलांग व्यक्ति होंगे। इस बोर्ड के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रजनी रमन झा ने किया। कार्यक्रम में ग्रामीण विजय नारायण झा, अजय कृष्ण झा, प्रकाश चंद्र यादव सहित कई अन्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए। और कई कारक कार्यरत होते हैं तभी उस व्यक्ति को वो मुकाम हासिल होता है। तो अपने परिवार के अलावा भी जो रमन झा हमारे छोटे भाई बता रहे थे, उसके अलावा कई जो मेरे नारायणपुर के कसमाबाद पहुंचे नवगछिया एसपी लिया जायजा। नारायणपुर प्रखंड के बैकुंठपुर दुधैला पंचायत के कसमाबाद गांव में बुधवार को नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, एसडीपीओ दिलीप कुमार, वीरपुर थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव पहुंचकर जायजा लिया व अग्नि पीड़ितों से मिलकर समस्या से रूबरू हुए एवं सुरक्षा व्यवस्था दिलवाने का आश्वासन दिया। मौके पर अग्नि पीड़ित की सूची सहित अन्य बिंदु पर वार्ता कर आपदा से प्रत्येक परिवार को समुचित लाभ देने की बात कही। मौके पर मुखिया अरविंद मंडल सहित कई अन्य ग्रामीण मौजूद थे। सांसद आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों ने सांसद को नवगछिया की समस्याओं से कराया अवगत। सांसद ने कहा, नवगछिया की सभी समस्याओं का होगा क्रमशः निदान। नवगछिया के मालवाड़ी विवाह भवन के प्रांगण में एक दिवसीय आपका सांसद आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अजय मंडल ने किया। कार्यक्रम के दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव, भागलपुर सांसद प्रतिनिधि प्रोफेसर डॉक्टर देव ज्योति मुखर्जी, नवगछिया सांसद प्रतिनिधि चंद्रश्री सिंह निसार, बाबा गणिनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार भारती, क्ली नवगछिया ग्रीन नवगछिया के अध्यक्ष चंद्रगुप्त शाह, अजीत पटेल एवं मिलन सागर ने संयुक्त रूप से बुके देकर स्वागत किया। वहीं मौके पर लोक गायक मिथुन महुआ ने अपने मधुर आवाज में स्वागत गान गाकर सबों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में सांसद ने सभी लोगों की समस्याओं को सुन तुरंत संबंधित पदाधिकारी को फोन कर एवं संज्ञान पत्र लेते हुए तुरंत फैसला किया। साथ ही सांसद ने कहा कि आने वाले समय में गांव-गांव जाकर लोगों का इस प्रकार संवाद सुनकर तुरंत निराकरण करूंगा। चंद्रगुप्त शाह ने भी नवगछिया से संबंधित समस्या को सुनाते हुए चिकित्सा क्षेत्र को मजबूत करने एवं अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया में बंद पड़े ब्लड बैंक को चालू करने की मांग, रेलवे क्रॉसिंग पर अटकी पुल की समस्या को रखा। मौके पर नवगछिया नगर पंचायत के मुख्य पार्षद प्रीति कुमारी के प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव ने चौसा मधेपुरा से आने वाली सड़कों को मुख्य बाजार से जोड़ने की अपील करते हुए संज्ञान पत्र सांसद को दिया। मौके पर जदयू चिकित्सा सेल के जिलाध्यक्ष डॉक्टर दीपक ने हेल्थ एजुकेशन कॉलेज या टेक्निकल एजुकेशन कॉलेज की मांग की।
कार्यक्रम में भाजपा नेता अजीत पटेल, गौतम यादव, मिथुन मोवा, धर्मेंद्र कुमार, सौगंध कुमार, पंकज कुमार भारती सहित कई अन्य उपस्थित थे। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर बीओ ने किया इंटर स्तरीय रुंगटा बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार सिंह के निर्देश पर गोपालपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार झा ने बुधवार को इंटर स्तरीय रुंगटा बालिका विद्यालय नौगछिया का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण से विद्यालय की व्यवस्था की कलई खुल गई। मिली जानकारी के अनुसार विद्यालय में 21 शिक्षक शिक्षिकाएं पदस्थापित हैं, परंतु बुधवार को औचक निरीक्षण के दौरान मात्र प्रधानाध्यापक सहित 3 ही शिक्षक उपस्थित थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि अभिभावकों द्वारा लगातार शिकायत मिल रही थी कि इस विद्यालय के अधिकांश शिक्षक आते विलंब से हैं और जाते समय से पहले हैं। अतः गोपालपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार झा को औचक निरीक्षण 10 बजे दिन में करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान प्रधानाध्यापक अखिलेश कुमार व अन्य 2 कर्मी ही उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि सभी अनुपस्थित शिक्षकों व कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछा गया है। फिलहाल 1 दिन का वेतन काटने व स्पष्टीकरण का जवाब संतोषप्रद नहीं आने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि विद्यालय के संचालन में सहयोग नहीं करने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि 1 दिन पूर्व रामधारी उच्च विद्यालय तेतरी पकराम के अनुपस्थित शिक्षकों से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। डीओ ने इस कार्रवाई से विद्यालय से बिना सूचना के गायब रहने वाले शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने ली बैकंठपुर दुधेला के अग्नि पीड़ितों की सुध। भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने नारायणपुर प्रखंड के बैकंठपुर दुधेला कसमाबाद गांव पहुंचकर अग्नि पीड़ितों की सुध ली है। विनोद मंडल ने कहा कि भीषण अग्निकांड होने से लगभग 400 घर पूरी तरह से जल गया है, कई पशु भी काल कवलित हो गए हैं। विनोद कुमार मंडल ने कहा कि यह गांव के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है, लोग खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं। श्री मंडल ने पीड़ितों को जल्द से जल्द पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की और गांव की मौजूदा हालत से सरकार के कई मंत्रियों और पदाधिकारी को अवगत भी कराया। वहीं मौके पर महामंत्री रंजीत झा, मनोज मंडल, राजेश झा, सिकंदर मंडल सहित कई अन्य उपस्थित थे। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया में आयशा RYEA ने नौगछिया में किया प्रतिवाद प्रदर्शन। राज्यव्यापी प्रतिवाद समर्थन के तहत वैशाली चौक नौगछिया के समक्ष आयशा RYEA के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया। मौके पर आयोजित प्रतिरोध सभा को संबोधित करते हुए आयशा RYEA के नेताओं ने कहा कि लाठी, गोली, वाटर कैनल की बरसात, आंसू गैस के गोले और युवा विधायक समेत सैकड़ों छात्र युवाओं पर फर्जी मुकदमे कर देने से 19 लाख रोजगार के वायदे से नीतीश कुमार पीछे भाग रहे हैं। बरबर पुलिसिया दमन के चेहरे के जरिए इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे बिहार के छात्र युवा कामयाब नहीं होने देगा। इस बार नीतीश कुमार के 19 लाख रोजगार के वायदे को जुमला नहीं होने देगा। वक्ताओं ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर किए गए लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े जाने से सैकड़ों छात्र युवा घायल हैं। उन्होंने कहा कि 19 लाख रोजगार के नीतीश कुमार वादा निभाए, नहीं तो इस्तीफा दे दे। वहीं मौके पर इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य सह सचिव गौरी शंकर राय, आयशा के राज्य कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण कुशवाहा, आयशा नेता हेमंत कुमार, इनोस के जिला सह संयोजक प्रमोद मंडल सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया SP के नेतृत्व में उपकारा में हुई छापेमारी। नवगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में बुधवार को नवगछिया उपकारा में अली सुबह छापेमारी की गई। इस क्रम में कुछ भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुआ है। छापेमारी अभियान में नवगछिया के SDO अखिलेश कुमार, नवगछिया के SDPO दिलीप कुमार, नवगछिया थानाध्यक्ष समेत जेल प्रशासन के पदाधिकारी मौजूद थे। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना, खाना, पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन।
आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mhwtbihar.com पर। नवगछिया, बोले विश्वास, जहां लड़ाई भाजपा व बजरंग दल के नेताओं के बीच, बदनाम हो रही राजद। राजद की ओर से जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि 28 फरवरी को भाजपा नेता मोहम्मद नईम एवं बजरंग दल के शुभम कुमार व शैलेंद्र कुमार के बीच मारपीट हुई थी। इसमें राजद के जिला सचिव विभूति भूषण का कोई रोल ही नहीं था। जिस दिन घटना हुई उस दिन विभूति घर के सदस्यों के साथ भागलपुर में डॉक्टर के यहाँ गए हुए थे। प्रशासन चाहे तो नवगछिया या भागलपुर में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर यह स्पष्ट कर ले कि विभूति घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। प्रशासन लोकेशन ट्रेस कर भी पता करे कि विभूति भागलपुर में थे कि नहीं। राजद को बदनाम करने की साजिश के तहत विभूति को नामजद कर आरोपित बनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। लड़ाई भाजपा नेता नईम व बजरंग दल के शुभम के बीच हुई है, जिसमें बेवजह राजद को बदनाम करने की नीति से विभूति को घसीटा जा रहा है। नवगछिया में एक साथ चला मास्क और वाहन जांच अभियान, 13,400 रुपए की हुई वसूली। नवगछिया पुलिस ने 10 थाना क्षेत्र और 2 ओपी थाना क्षेत्र में मास्क और वाहन जांच अभियान चलाकर कुल 13,400 रुपए जुर्माने की राशि वसूल की है। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने मास्क नहीं पहने 188 लोगों से 9,400 और ट्रैफिक कानून का उल्लंघन कर रहे 7 वाहन चालकों से 4,000 रुपए जुर्माने की राशि वसूल की है। गोपालपुर, माघी पूर्णिमा के दिन दर्शनिया घाट में डूबे हरिओम का शव छत विछत हालत में खेरिया घाट में मिला। तिंटेगा करारी निवासी श्रवण यादव के पुत्र हरिओम यादव का शव कुरसला थाना क्षेत्र के खेरिया घाट पर बुधवार की सुबह को छत विछत हालत में मिला। परिजनों द्वारा गले में पहने लॉकेट व पैंट से पहचान की गई। बताते चले कि माघी पूर्णिमा के दिन 12 सिर दियारा से तैर कर नदी पार करने के दौरान हरिओम डूब गया था। एसडीआरएफ की टीम द्वारा भी शव को खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। परिजनों की सूचना पर गोपालपुर पुलिस ने खेरिया घाट से शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया भेजा, परंतु शव के छत विछत होने के कारण शव का पोस्टमार्टम मायागंज में कराने की बात कही जा रही है। पूर्व सरपंच शंभू यादव ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। गोपालपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर में लगा दिव्यांग शिविर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर में बुधवार को दिव्यांग शिविर चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मनीष कुमार के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें 3 दर्जन से अधिक दिव्यांगों के जांच के बाद दिव्यांग प्रमाण पत्र दिया गया। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक अतीश कुमार राय, स्वास्थ्य कर्मी प्रभास कुमार, कैलाश सिन्हा, चंद्रशेखर कुमार, करिश्मा कुमारी, सोनी कुमारी वगैरह की मौजूदगी देखी गई। नवगछिया, हत्या के प्रयास मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवगछिया के रंगरा ओपी थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास मामले में फरार चल रहे बनिया निवासी महेंद्र सिंह और पिंटू सिंह को रंगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इधर मंगलवार को नवगछिया के नया टोला निवासी हार्डवेयर व्यवसायी पप्पू मंडल हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए गोपालपुर थाना क्षेत्र के डिमा निवासी साथी दिलकुश यादव को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं बीहपुर पुलिस ने नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट केस मामले में फरार चल रहे वारंटी अभियुक्त बीहपुर थाना क्षेत्र के जयरामपुर निवासी सुमित कुमार चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। नवगछिया, मोहम्मद नईम के साथ मारपीट मामले में दूसरे पक्ष ने भी थाने में की प्राथमिकी। भाजपा नेता मोहम्मद नईम के साथ मारपीट के मामले में दूसरे पक्ष भवानीपुर निवासी शैलेश कुमार उर्फ पिंकू ने भी मोहम्मद नईम और उसके परिजन के विरुद्ध मारपीट करने का आरोप लगाते हुए नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इधर जानकारी मिली है कि मारपीट के बाद गंभीर रूप से घायल हुए मोहम्मद नईम की स्थिति एकाएक गंभीर हो गई है और चिकित्सक ने उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया है। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mhwtbihar.com पर। वाणी विवाह भवन 0 mile NS 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल,
ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513।